हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ जो टिप्स शेयर करने वाली हूँ बहुत काम के हैं। इस टाइप का कर्टन हमारे घर पे होता है, बिल्कुल होता ही होगा। तो यहाँ पे जो रिंग दिख रहे हैं आपको, ये रिंग जो होते हैं ना, इसी से इस पर्दे का लुक आता है। लेकिन मैंने इसे वॉशिंग मशीन में धो दिया था तो इसका रिंग निकल गया। तो इस टाइप के पर्दे को वॉशिंग मशीन में धोना नहीं चाहिए, लेकिन मेरे पास एक ट्रिक है जिससे आप इसे वॉशिंग मशीन में भी धोएंगे और आपके रिंग जो है ना वो निकलेंगे भी नहीं। और ये ट्रिक जो है ये मेरी सासू माँ का आइडिया है, मेरा नहीं है। तो चलिए, इस टाइप से आपको एक बंच बना लेना है और आपको लेना है कपड़े की थैली। कपड़े की थैली ही लेना है, प्लास्टिक की पॉलीथीन की बिल्कुल नहीं लेना है, ठीक है। कपड़े की थैली के अंदर इसे डाल देना है, इसे यहाँ से एक थ्रेड से बांध दे या फिर इसके जो बन दिख रहे हैं इन बन को आपस में ओवरलैप करके एक नॉट बांध देना है ताकि खुले नहीं, अच्छी टाइट बांध देनी है। बस अब जो ये हमारा पर्दा है ना, धोने के लिए बिल्कुल रेडी है। और हमने थैली कपड़े के लिए ना, तो इसके अंदर तक सर्फ भी जाएगा और अंदर का पार्ट है वो भी धुल जाएगा। अब आप इसे वॉशिंग मशीन में डाल के धोए, अब आपके रिंग जो है ना वो नहीं निकलेंगे। तो था ना एक अच्छा आइडिया, अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना। दूसरा टिप भी बहुत काम का है, हमारे घर में अक्सर चूहिया, छचुंदर, छिपकली, कीड़े मकोड़े बहुत सारे आ जाते हैं। तो उससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, फिनाइल की टैबलेट ले लेंगे, उसे एक कॉटन के कपड़े के अंदर हम उसे रख के फोल्ड करके एक धागे से बांध के बहुत सारी इसकी पोटली बना लेंगे। कुछ लोग इसे डायरेक्ट ही रख देते हैं तो वो थोड़ा रिस्की होता है, इस तरीके से कपड़े में बांध के रखेंगे तो रिस्की नहीं रहेगी। अब इस टेबलेट की जो हमने ये पोटलियाँ बनाई है ना, इनको आपको कहाँ कहाँ रखना है, देखिए बेड में रख सकते हैं, यहाँ पर भी कीड़े होते हैं, इसे फेंक मत देना आप, है ना, जैसे अभी किया है। इसको आप नीचे दबा के रखें कपड़ों में। मैंने अक्सर देखा है कि चूहिया जो होती है सोफे को नीचे से काट देती है, तो आप इस टेबलेट को नीचे रख दें सोफे के, या फिर एक धागे से इसको टाका लगा दें ताकि ये फिक्स हो जाए। तीसरी जगह आप सेल्फ पे रख सकते हैं, और चौथी जगह आप रख सकते हैं इसे अलमीरा में। अलमीरा में कपड़ों में से स्मेल भी नहीं आएगी, यहाँ पर बैक्टीरिया वगैरह हो जाते हैं वो नहीं होंगे। तो कपड़ों के पीछे दबा के रखें ताकि बच्चों के हाथ में ना आए। आपको ये टिप्स कैसे लगे ज़रूर बताइए मुझे, और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।